जी नमस्कार, मैं राजन राई, प्रेस वार्ता कैमरे। हमारे विचार आपके। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होना 26 तारीख को, और आज के हमारे खास मेहमान है रामवीर जाटव जी, वार्ड नंबर 19 से। आइए जानते हैं कि रामवीर जाटव जी जनता के लिए क्या परिवर्तन चाहते हैं और क्या रूपरेखा उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों, अपने गाँव वासियों के लिए बनाई है, क्योंकि जिला पंचायत के प्रत्याशी है। जिला फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड यू, Keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. सर नमस्कार। नमस्कार जी। रामी जी, आपका पहले तो आप, मैं आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो। जनता अगर आपको चुनती है तो आपने क्या अपनी रणनीति बनाई है अपनी जनता के लिए? देखो, जो हमारे आजाद भाई जी हैं चंद्रशेखर जी, एक तो उनका सपना है कि जो हमारे कुछ छोटा वर्ग जो है उनकी क्या अत्याचार ज्यादा हो रहा है। ऐसा आप मानते हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा सर, आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने लाइए। मैं रामवीर जाटव और वार्ड नंबर 19 से पांचली का रहने वाला हूँ, और मेरा जो सपना है ये जी, जितने जिला पंचायत लड़ने वाले हैं, जितने भी जो पिछले भी आए, जो अब भी आए, ये सब अपने ही चक्कर में लड़ते हैं। अच्छा। और हमारा जो लक्ष्य है, मैं बहुत ही छोटे वर्ग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और सबकी परेशानी देखते हुए जो कार्य ये नहीं कर पा रहे, धन दौलत के चक्कर में जनता को लूट रहे हैं, मैं उस सपने को उनका लोग इनका पूरा नहीं होने दूंगा, और जो बाकी है जो मेरे से होगा जनता के लिए, मैं वो काम करूंगा। जनता आपको चुनेगी भी? अच्छा, अगर आपको जनता चुनती है तो चुनने के बाद आपका सबसे मैंने जो मुख्य काम होगा, जैसे कि जिला पंचायत का सबसे मुख्य काम होता है गाँव की कनेक्टिविटी एक दूसरे गाँव से करना, तो आपने कोई रणनीति बनाई है? रणनीति बनाई है, जैसे कि जो भी काम है हमारा, नाली खड़ंजे जो भी व्यवस्था होगी हम सब कुछ करेंगे, और कोई भी गांव में व्यक्ति बीमार हो या किसी की शादी हो, कोई भी किसी के लिए हो, कुछ भी दिक्कत आवेगी हम उसमें जाकर सभी सब करूंगा। बस कि कोरोना काल का टाइम चल रहा है, उस सब अपने आप को बचाए रखे और मूल्य अपना वोट सब कीमती करके अपने वोटिंग है। अच्छा, जनप्रतिनिधि हम मिले थे जिला पंचायत के सदस्य रामवीर जाटव, वार्ड नंबर 19। इसी वक्त इसी सभा में हमारे साथ एक शख्सियत और है, जानते और मिलवाते हैं आज के खास मेहमान से कि वो अपने क्षेत्र में क्या बदलाव करते हैं अगर जनता उनको चुनती है तो। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। आपने मास्क लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इंटरव्यू देते हुए आप इसको नीचे कर सकते हैं। आप देख ही रहे कि हमारे देश में हालात कैसे हो रहे हैं। अच्छा श्रीमान जी, सबसे पहले आप फेस वार्ता को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल प्रधान है, पिछले 5 वर्षों में हमने प्रधानी की है। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान जी? जी। अच्छा, और गांव में हमने वो ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो अभी इस मेरठ जिले को तो छोड़ दीजिए, मैं यूपी की टक्कर पे बात करता हूँ कि यूपी को भी मैं टक्कर दे रहा हूँ सुधार। कैसे? जितने 50 सालों में कार्य नहीं हुए हैं, पिछले 50 वर्षों में जो कार्य पूर्व के प्रधान नहीं करा सके, वो हमने इन 5 वर्षों में करके दिखाए। क्या क्या बदलाव किया आपने? सर्वप्रथम तो जब हम प्रधान बने तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि गांव में 50 वर्षों में पिछले में कोई भी इंटरलॉकिंग, कोई भी आरसीसी इस पांचली गांव में नहीं हुई थी, और लगभग 11,500 की आबादी है इस गांव की, लेकिन विकास के नाम पर जीरो था। जब हमने इस गांव में प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत ने हमें चुनकर भेजा गाँव की ने, तो हमने सर्वप्रथम आरसीसी सड़कें और इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य कराया, चाहे ग्राम पंचायत का कार्य हो, चाहे विधायक निधि से, सांसद निधि से, चाहे प्रमुख साहब से, जिला पंचायत से, कहीं से भी लागे लगाया, हमने इतना काम कराया गांव में पिछले 50 वर्षों में जो कार्य नहीं हो सके इन 5 वर्षों में। जो 50 वर्षों में कार्य नहीं हुए वो 5 वर्षों में कार्य आपने पूरे जी, ऐसा आपका कहना भी है और कहना भी है और जनता मान रही है। जनता मान, गाँव का क्या नाम है? गाँव का नाम है पांचली। पांचली। अच्छा, और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इन विकास कार्यों के साथ साथ वो ऐतिहासिक कार्य करें जो अभी इस जिले के अंदर भी नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लगभग 40 साल पुराना हमारा गांव का गेट था, वो बिल्कुल खंडर के रूप में खड़ा हुआ था, काई जम गई थी उस पर, उसमें हमने व्यापारियों से लेकर हमारे जो शुभारती के चेयरमैन हैं अतुल भटनागर जी से, उनसे उस पत्थर लगवाया रिक्वेस्ट करके। दूसरा कार्य है, अभी तक हमारे गांव में पिछले 40-50 वर्षों से एक भूमि पड़ी हुई थी स्टेडियम की, वहां पर स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ था, वो हमने सपा सरकार से लेकर और बीजेपी सरकार तक प्रयास किया और आज वहां स्टेडियम गांव की और आसपास की जनता के लिए खड़ा कर दिया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विकास कार्य हमने कराया,
एक रिसोर्स सेंटर का निर्माण कराया जिसमें पूरे जिले के प्रधान पांचली खुर्द गांव में आया करेंगे और यहीं से बैठक हो करेगी और यहीं से विकास कार्यों का धन सभी जिले के गांवों को जाया करेगा। एक बिजली घर का निर्माण हमने पिछली सरकार से कराया और इन सबसे भी महत्वपूर्ण कार्य हमने वो करवाया कि आने वाले 500 साल तक याद रखा जाएगा। अभी तक यहाँ से लेकर और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है वहाँ तक भी कोई सरकारी डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। हमने कंपटीशन की बुक्स के साथ साथ कंप्यूटर की भी व्यवस्था उसमें कराई और बच्चों के लिए फ्री कंपटीशन की बुक और कंप्यूटर रखवाए जिससे कि आने वाले गरीब परिवारों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे और गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ये तो रहे आपके 5 साल, मतलब 5 साल में आपने अपने गांव को बहुत डेवलपमेंट किया, जो भी जनता को अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई जी। अच्छा, अब आपका जो आने वाला कल है उसके लिए कुछ आपने मुख्य एजेंडा बनाया? उसके लिए बहुत बड़ा एजेंडा मैंने गांव की जनता के लिए बनाया है और उस गांव की जनता के लिए मैं वो गांव की जनता के सामने पेश भी करूंगा और आपके सामने मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका जो फेस वार्ता न्यूज चैनल के माध्यम से आपने जो हमें आज गांव की जनता के सामने आने वाले आगामी वर्षों के एजेंडे के लिए बात करी है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं एक 20 बीघे का ट्रैक गांव को ऐसा देने वाला हूँ जो गांव की जनता ने प्रधान चुना कि जिसमें हमारे गांव के युवा शक्ति जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस ट्रैक पर रेस लगाएंगे और अपने शारीरिक कौशल शरीर का जो विकास है उसे करेंगे और कंपटीशन में जो तैयारी कर सकेंगे उस 20 बीघे ट्रैक पे। जो मरीज हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं या शुगर के मरीज हैं, जो महिलाएं बीमार हैं, गांव के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ मैंने स्थान ढूंढ रखा, उस 20 बीघे के ट्रैक पे रनिंग कर सकती हैं, सुबह शाम घूम सकती हैं। उसमें बेंच की व्यवस्था कराएंगे और उसमें लाइटें लगाएंगे और 20 बीघे का ट्रैक मैंने तैयार करूँगा। मैंने ये मेरा ये जनता से वादा है, मैंने जगह भी देख रखी है। दूसरा कार्य मैं ऐतिहासिक ये करूँगा कि गांव की जब भी गरीब व्यक्ति की किसी बेटी की शादी होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सामान लाने के लिए। मैंने पहले ही घोषणा कर दी है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली गांव की जनता को फ्री दूंगा जिससे कि वो अपनी गरीब बेटियों का सामान शहर से गांव में ला सकें। और तीसरा मेरी सोच ये है कि गाँव में मैं एक सिलाई सेंटर का ऐसा निर्माण करवाऊँगा कि जो हमारी बेटी है गाँव की, जैसे लाइब्रेरी के अंदर ही हम एक सिलाई सेंटर बड़ा खोलेंगे कि गांव की बेटी हमारी सिलाई सीख के जाएं और दूसरे गांव में जाएं तो उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आवे, अगर कोई ऐसी परेशानी भी पड़ी तो वो अपना खुद का कार्य कर सकती हैं। ये मेरी आगामी वर्षों के लिए है। ये आपके मैनिफेस्टो? हाँ जी। अच्छा, ये जो मैनिफेस्टो आपने बताइए, क्या पहले भी जी उसमें थे या इस बार? नहीं, पिछले बदला? जो मैंने कहा वो पिछले एजेंडे में थे, जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया गांव। अच्छा। में और जो अब कह रहा हूँ अगली बार करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा। आप चाहते हैं कि आपका गांव बिल्कुल मैं सौंदर्यकरण, आधुनिकीकरण, मूलभूत सुविधा जी, जी, बिल्कुल एक आदर्श गांव में गिनती हो आपके गाँव। मैं ये चाहूंगा कि अगर इस बार मुझे जनता ने चुना तो गारंटी से ये बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री लखनऊ बुला के सम्मानित करेगा इस ग्राम पंचायत को कि हाँ इसमें कार्य हुए हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ।